आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। सड़क दुर्घटनाएं बहुत सी होती हैं, सबक फिर भी हम नहीं लेते और गलतियां फिर बार बार वही दोहराई जाती हैं जिससे कि हादसे होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो मुझे सामने दिखा और वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में एक जो शख्स है उसे कार से टक्कर लगती है और कार से जब टक्कर लगती है तो ये शख्स जख्मी होता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका ये कह सकते हैं कि चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी, टक्कर बहुत ज़ोरदार रही। अब आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कार की स्कूटी से ज़ोरदार टक्कर हुई है। ये बाइक, ये काले रंग की गाड़ी है जो कि आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, लेकिन जो बाइक पर सवार शख्स है ये ना दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है और ये सीधा सीधा चल रहा है। बड़ी दुखद ये घटना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब वीडियो के तौर पर हमारे सामने आती हैं तो हमें बताती हैं जब भी आप सड़क पर चलें, चाहे आप चार पहिया वाहन में हैं, दो पहिया वाहन पर हैं, आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड देखना होता है। लेकिन ये जो शख्स था बाइक से सिर्फ सीधे जा रहा था और इधर से आ रही काली गाड़ी जो थोड़ा सा बचाने की कोशिश भी करती है, यानी कि जो सीधे आ रही थी वो थोड़ा सा राइट होती है, उसके बावजूद ये शख्स और ज़्यादा आगे बढ़ता है और फिर टक्कर होती है। टक्कर में हवा में उछलता है, सर पर मुझे लगता है गंभीर चोट लगी होगी। जिस तरह की तस्वीरें हैं, शख्स को नहीं बचाया जा सका। अब जब जांच हुई तो ये वीडियो भी सामने आया, ये वीडियो एक सबक भी है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी बताइएगा गलती किसकी है, कार चालक की या फिर बाइक सवार की। हालांकि बाइक सवार की जान नहीं बच पाई है, सबक के तौर पर इस वीडियो को देखिए, सीखिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। ये तुम पी नहीं रहे थे चाचा, ये था।